और इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश हो चुका है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल को पेश किया है। वहीं समान नागरिक संहिता जो बिल पास हुआ है, वो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है। सदन की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, जहां दोपहर 2 बजे से फिर से यूसीसी बिल पर चर्चा होगी। बिल पेश होते ही आज जय श्री राम के नारे लगाए गए। सदन में बिल पेश होते ही जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगे। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश हो चुका है। बड़ी खबर ये, जहां सीएम धामी ने आज उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास किया है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। वहीं अब सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे से यूसीसी बिल पर चर्चा होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि जब उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश हुआ, तो सदन की कार्यवाही में जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में उठ जाते हैं, जो माननीय विरोध में उठ जाते हैं, समान नागरिक उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। तो बड़ी खबर उत्तराखंड विधानसभा से, जहां उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल को पेश किया है और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है। वहीं सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, यानी दोपहर 2 बजे यूसीसी बिल पर फिर से चर्चा होगी। वहीं बिल पेश होने के बाद सदन में वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगे। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है, जहां यूसीसी पेश हो चुका है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए दीपशिका, अगर बात कहा जाए कि यहाँ पर जिस तरीके से अगर कहा जाए यूसीसी लागू होने वाला जो देश का पहला राज्य यहाँ पर उत्तराखंड है, और ये जो है ये सेहा अगर देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उनके सिर पे बनने जा रहा है। और तमाम जिस तरीके की बात करी थी, काफी समय से जिस समय पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे जो है शपथ ली थी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था और खुले शब्दों में कहा था कि यूसीसी लागू करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसको लेकर बाकायदा जो है टीम की बात की गई थी, टीम अपना लगातार काम करती रही और कई लोगों से जो है यहाँ पे संवाद भी किए गए, उनसे सुझाव भी लिए गए। और जिस तरीके से यहाँ पे भी पिछले कुछ दिनों में जो है यहाँ पे टास्क को सौंपा गया था, उसको लेकर अब बिल्कुल कयास लगाया जाए कि यूसीसी जो है वो कभी भी हो सकता है। हालांकि इसको लेके विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, उनका कहना था कि जो है ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि बहुमत की सरकार है, विपक्ष को इन्होंने जो है यहाँ पे कोई भी जो है सामंजस्य नहीं बैठाया, ना उनके साथ कोई चर्चा की है बिल्कुल लेकर तमाम चीजों को लेके। कल रात भी जो है विपक्ष ने यहाँ पर जो है इस्तीफा दे दिया था, कार्य मंत्रणा की जो बैठक होती है उसमें समिति से बैठक अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद लगातार आज जो है यहाँ पे दर्शक दीर्घा में वो लोग जो है यहाँ पे धरने पे बैठ गए थे और समय मांगा था। तो आज जो है जो सदन की कार्यवाही जिस समय शुरू हुई, पटल पे रखा गया पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक को, तो विपक्ष ने जो है मांग की कि उनको जो है यहाँ पे कुछ समय दिया जाए कि जिससे कि वो इस पर जो है बात कर सके। तो अब कयास लगाया जा रहा है कि 2 बजे के बाद जो सदन पुनः कार्यवाही शुरू होगी तो ये विधेयक जो है कहीं ना कहीं इस पर जो है बहुमत से पारित जरूर किया जाएगा। जी बिल्कुल, अवनीश जी आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ बीजेपी ने एक जो चुनावी वादा किया था कि यूसीसी हम लेकर आएंगे, और अब क्या लगता है कि इस बिल के पेश होने के बाद लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ सकता है? अवनीश,
बिल्कुल देखिए, यहाँ पे अगर बात की जिस तरीके से पांचों सीटें यहाँ पे लोकसभा की या देवभूमि है, यहाँ पे लगातार जो है बीजेपी वो भी करती रही है और चुनावी मोड पे लगातार पहले से उतरी हुई है। उन्होंने अपने जो है यहाँ पे बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को लगा दिया है, जो इनका नया चिकुपा का गाँव चलो जो है उसको लेकर यहाँ पे लगातार जितने भी विधायक है, जितने मंत्रीगण है, खुद सीएम साहब भी जो है वो गाँव में यहाँ पे लोगों के साथ एक रात बिता रहे हैं, उनकी वो जो है चर्चा की जा रही है किस तरीके की परेशानी है, क्या विकास कार्यों ने, तमाम चीजों को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो है ये यहाँ पर अगर बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। और कांग्रेस की अगर बात करें, यहाँ पे कांग्रेस में लगातार अभी टूट का जो है सिलसिला शुरू है। इनके कई दिग्गज नेता जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में आ गए। हालांकि अभी जो है यहाँ पे अगर देखा जाए जिस तरीके से भाजपा जो है चुनावी मोड में दिख रही है, विपक्ष की तरफ से अभी ऐसी कोई सरगर्मी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। जी दीक्षिता जी, अनिश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां सदन में आज यूसीसी बिल पेश हो चुका है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल को पेश किया है। समान नागरिक संहिता बिल पास करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है। वहीं अब सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, जहां दोपहर 2 बजे से फिर यूसीसी बिल पर चर्चा होगी।